अरे क्या क्या करना है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ब्यूटीफुल सा केक जो पापा लेके आए हैं। दीजिए सब लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज भी मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज इट्स माय बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती हूँ छोटे बच्चों की तरह, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे छोटी बच्ची थी और वहां पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। यहाँ भी सेलिब्रेट किया जाता है, बच्चे मम्मी जी भी एक्साइटेड रहती हैं और मिट्टी के पापा शो नहीं करते हैं, बट हाँ वो भी सेलिब्रेट करते हैं मेरा बर्थडे। तो आज के दिन बच्चे तैयारी करते हैं और डेकोरेशन करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज के दिन में यही स्पेशल है और ये है मीठी के द्वारा बनाए गए पोहे, जिसे मैं एंजॉय कर रही हूँ चाय के साथ। मैं नहावा के बहुत जल्दी जल्दी सुबह ही, आज के दिन ना मैं अच्छे से नहा लेती हूँ सुबह ही जल्दी और पूजा उजा कर लेती हूँ। वैसे तो थोड़ा लेट कर देती हूँ, आज बहुत जल्दी नींद खुलते ही मतलब यही रहता है कि जल्दी से नहाओ, नहा करके एकदम से रेडी हो जाओ बस। तो बस आज मैं सोच रही हूँ ना फुल डे वेस्टर्न ड्रेस कैरी करने के लिए, तो मैंने आज वेस्टर्न ड्रेस ही पहना है और शाम को भी मैं वेस्टर्न ही पहनूंगी। सोचा तो अब तक यही है, बट आगे देखिए क्या हो, कुछ भी चेंज हो सकता है, माइंड चेंज हो जाएगा। तो व्लॉग में बने रहेगा, व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मीठी को मैं इसी में बोल रही हूँ थैंक यू मीठी फॉर द पोहा, और बस व्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ बुआ हम लोग को एंटरटेन कर रही हैं और यहाँ हम लोग बैलून फुला रहे हैं और बर्थडे गर्ल से भी बैलून फुलवा रहे हैं। क्या करूँ गाइस, बच्चे जो है बोल रही मम्मा तुम हेल्प करो हम लोगों की, इन लोग से अकेले हो नहीं पा रहा था। ट्राई तो ये लोग बहुत किए हैं मगर लास्ट में एट द एंड मुझे इन लोग की हेल्प करनी पड़ रही है। और यहाँ ये लोग अब हम लोग को एंटरटेन कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने बर्थडे का बलून यानी डेकोरेशन का बलून मुझे खुद फुलाना पड़ रहा है। कहो सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, तुम बोलते हो तो करते हैं लोग। कब जा रहे हैं? सब्सक्राइब टू माई मामी चैनल ना। ओहो वेरी गुड। एंड कृषि आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बैलून आधे तक खत्म है, घटिया बैलून दिया गया है, हमें केस करना चाहिए इस पे कि हमारे बैलून क्यों घटिया दिए गए हैं हमें। नहीं हॉट एयर बैलून नहीं है मानसी बुआ, नॉट हॉट एयर बैलून। इस बुआ का फोन कट चुका है, यहाँ बैलून फुलाया जा रहा है। अब मुझसे फूल ही नहीं रहा है, मुझसे पचका हो जा रहा है। फूल नहीं रहा यार, पता नहीं क्या हो गया, ये वाला लग रहा नहीं फूल। फोड़ू 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 फोड़ू, ये वाला लग रहा है फूलेगा नहीं। अरे हवा निकल रहा है कहीं से। रुको रुको, नहीं नहीं फूलेगा, फोड़ू फोड़ू उसके मुंह पे। ओ चोट लग गई। नहीं मैं इसे फुला के दम लूंगी, इस बार फूलेगा। नच मैच नच नच मेरी रानी। मिट्टी कैमरा हट डाउ। यहाँ कृषि जी फुला लिए, क्यों नचम गादड़ जैसे मुंह फोड़ दे। नहीं यार ये मैंने बैलून फुला दिया है और अब देखते हैं कितना मुझसे और फुल पाएगा बैलून। क्या है जिंदगी, मतलब अपने बर्थडे में खुद बैलून फुलाना। अरे यार इतना ज्यादा काम है, मैं काश कोई आ जाता जो मेरी हेल्प कर देता बैलून फुलाने में। कोई नहीं आएगा। वैसे तो मैं चौमिन बना चुकी हूँ, छोले बना चुकी हूँ। मीठी ऐसे देख रही थी, वैसे तो मैं चौमिन छोले पनीर बना चुकी हूँ। एक्सक्यूज मी, आप मोना एक्सक्यूज मी, आप और छोले और पनीर। तो आपने देखा कृषि मेरे ऊपर कैसे बैलून फेंका है,
मैं 2 मिनट शॉक में थी, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया कि मैं कुछ बोलूं। ये मोना पॉट क्या चल गाइस, हम नाक से मिलते हैं त्यौहार होने के बाद। मोना जी को लाफ्टर अटैक आया है मुझे लगता है। दर्द कर रहा है, बस नीचे कैमरा हटाओ प्लीज। क्या यार पागल हो गई हो क्या, काम करना है बहुत सारा। क्यों हंसी आ रही है? मम्मी तुम सबको थैंक यू बोल दो, इतना तुम्हारे व्हाट्सएप फेसबुक पे विश आ रहा है ना। बोलूंगी आराम से, रुक जाओ। गाइस आज सबने मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, बहुत 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 सारा प्यार दिया है, अनलिमिटेड प्यार दिया है मुझे फेसबुक पे, मुझे व्हाट्सएप पे, सबने बहुत सारे विशेष दिए, इंस्टा पे भी, बेबी मतलब भर भर की, पूरा भर भर के मैसेज आया है मेरे लिए, तो सबको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मम्मी के लिए भी, आप लोगों ने मम्मी का बर्थडे का जो ब्लॉग मैंने डाला था ना, मेरा ये दर्द कर रहा है, इतना हंसी हूँ। तो मम्मी के बर्थडे ब्लॉग में सबने बर्थडे विश किया मम्मी को, तो उन सब लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. All around the globe, trying to protect your soul. हो गया, दादी पकड़ रही है और यहाँ कृषि अभी लगा रहा है पूरा। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से ये सब लगाया, इसने मेरी थोड़ी भी मदद नहीं की है ना दादी, कृषि बिल्कुल मेरा मदद नहीं किया, लगाया वही है सब। नहीं दादी सब मैं लगाई हूँ, सब मैं लगाई हूँ, सब मिस्टी करती है, बस कृषि बैठ के फोन चलाता है और टीवी देखता है बस। मैंने सारा बैलून लगा दिया है और सच में मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इसको देखिए आराम से बैठा हुआ और पापा बैठ के मूवी देख रहे हैं। सो यार ये डन हो गया, जितना मैं कर पाई मैं कर दिया। मोना जी एकदम रेडी है, मैंने बोला था ना वेस्टर्न पहनूंगी, प्लान में कोई चेंज नहीं आया, मैंने वेस्टर्न ही पहन लिया। मैं तो एकदम छोटी सी बच्ची, मैं मोना जी का लुक पूरा लुक दिखाना, मैंने अभी घर में स्लीपर भी पहना है। हाँ मैं पूरा लुक दिखाती हूँ, बट स्लीपर मत दिखाना, मैंने शूज या सैंडल्स नहीं पहने। एंड साइड में इन्होंने मेरी क्लिप लगाई। तो गाइस कैसी लगी मेरी ये लुक आज का, मेरी ये आउटफिट, क्योंकि ना ठंड के हिसाब से मैंने सोचा कि थोड़ा ये सब पहन लूँ, क्योंकि फिर सूट पे स्वेटर पहनो ये सब पहन तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज सूट भी अच्छे से खिल के नहीं आता है। हाँ खिल के नहीं आता है स्वेटर पहनने से, या फिर कोट वगैरह पहनूँ, और मैं तो एकदम कोजी कोजी तैयार हुई हूँ। हाँ नीचे ने ऐसे लोअर डाल लिया, ऊपर से टी शर्ट डाल लिया है, बट अच्छी लग रही है।
और इन लोगों ने डेकोरेशन कर दिया है फाइनली। अभी मैंने नहीं देखा है, मैं बस बलून खुला के लोगों को दे दूँ क्योंकि लोग कर नहीं पा रहे थे। पिछले साल तो अमृत और मधुर थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। इस साल अब हम लोग को करना था तो मैंने चलो हेल्प कर देती हूँ। तो चलिए अब आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये है मिट्टी का लुक। मिट्टी ने ऐसे ही टॉप रैंडमली डाल लिया है और घर में जो इसने लोअर पहना था उसी में है ये, और मैच भी कर रहा है। हाँ मैच भी कर रहा है। अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। हाँ चलो मम्मा मैं चौमिन वोमिन बनाई हूँ, सब दिखाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो मैं डेकोरेशन की एंट्री ले रही है। ये है मेरा डेकोरेशन। कैसा लग रहा है आपको ये डेकोरेशन? जो कि मिस्त्री पांडे नहीं, कृषि ने थोड़ा सा किया, मीठी ने ज्यादा किया। दादी वादी सब लोग तैयार हो गए। अरे मम्मी भी तैयार हो गई है साड़ी वाड़ी पहन के। मम्मी मेरा लुक कैसा लग रहा है? मैं डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट। कैसी लग रही है दादी? पापा कैसी लग रही है? लड़की है। क्या चीज उतना उसमें आएगा ही नहीं। देखो तुम्हारे पापा कह रहे हैं मैं 45 साल की हूँ। सोच रहा हम कुछ किए नहीं है, चलो ये काम कर दे रहे। इतने सारे कैंडल्स क्यों रखे हो? कितना गंदा लग रहा है वो। यही रखा है, आगे से केक की खूबसूरती आना चाहिए। बेवा डन। अरे यार मत बोला करो उसको, बच्चा है वो, छोटा बच्चा है। क्यों खुशी? छोटे बच्चे हो ना, झगड़ने में नहीं। हाँ आओ अब। मेरा बर्थडे उनका नहीं। अरे तुम हटो ना। मिष्टी का बर्थडे है, मिष्टी का मार्च में आएगा ना, और कृषि का मार्च में आएगा, दोनों का एक साथ आएगा। और एक साथ मनेगा नहीं? नहीं मैं एक ही साथ मनाती थी, एक ही साथ मनाऊंगी। क्यों गाइस, अगर एक दिन के गैप पे है तो क्या मैं मना नहीं सकती उन लोगों का बर्थडे? नहीं, एक दिन का गैप है बस। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. हमारे पापा तुमको कैसे भूल रहे हैं? ब्यूटीफुल सा केक जो पापा लेके आए हैं। बोले केक, अरे क्या क्या करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हो गया? अरे मामा पहले वो कैंडल अच्छे से पहुंचा दो। अरे मतलब हद है, हद है, हद ही है। पहले कौन खाना चाहता है? हम दादी को खिला दो, हम फोटो भी इसमें खींच लेते हैं। दादी इधर ही वैसे खिंचवा लो, फोटो लो, देखो हो गया। दादी से खाया नहीं जा रहा। और अब इसकी बारी पापा जी की। चलिए
ये भगवान हो गया, यही से मैंने फोटो भी क्लिक कर दिया। वो तो मैं खाऊंगा। दादी था ही है, तुम अपने आप को खिला दो एक बार। हाँ यार, केक सच में वाकई में टेस्टी है ना दादी। हाँ मम्मा, तो सबको देखना चाहिए, तुम भी ठूसती हो। नाचो मत, कल स्कूल भी जाना है। बारिश होने वाली है। सो गाइस, ये लोग जो है ना गिफ्ट लाए हैं और वो देना भूल गए थे, तो अब लेके आ रहे हैं। और वो जो तुम्हारे चलो ठीक है, ले आओ। कुछ नहीं। और मम्मी का गिफ्ट उस दिन का अभी मैंने नहीं दिया है, वो मैंने ऑर्डर किया है और आ जाएगा तब मैं उनको गिफ्ट दूंगी। क्या है भाई, आई एम सो एक्साइटेड। सबसे पहले डेरी मिल्क हिट। ओ वेट, माय गॉड, ये तो ओके एंड वन खोलिए, अभी आपको जो खोलो खोलिए, आपको पता ही चल जाएगा क्या है वो। हम लोग फैमिली पैक चाह रहे थे बट मिल ही नहीं रहा था शॉप पे। हाँ खोलना पड़ेगा। मुनाची आपको, अच्छा मम्मी एक सेकंड, तुमको क्या लग रहा है उसमें क्या है? खोलो मक्की फोटो पता नहीं क्या है, देखो अच्छा जी भी अच्छा पैकिंग इतनी खूबसूरत है। क्या दादी? अच्छा दादी को नहीं पता है, उनको नहीं बताया तुम्हें सीक्रेट से? नहीं दादी को पता है, वो सही भी गेस की है। सही तो मैंने गेस किया है, अगर मग है तो सही तो मैंने गेस किया है। तुम्हारा टूट गया था ना, तो फिर तुमको उसमें पीना अच्छा नहीं लगता था। सोचे चल लो, थोड़ी पदवी थी नहीं, गलती से टूटा था वो शायद। What is this? Oh my god. प्यारा है ना? तो गाइस मुझे ये मिला है, इतना प्यारा सा मस्त, ये पूरा वाइट है और ये अंदर से बिल्कुल रेड है। प्यारा लग रहा है ना? बहुत सुंदर, सो स्वीट। वो नटीस कैसा लगता होगा? ये मेरे लिए लाए हो ना तुम लोग अपने खाने के लिए? यार थोड़ा थोड़ा तो टेस्ट बनता है हम लोग का भी। ये अभी खाया नहीं है कभी? नहीं, पहली बार में क्यों ट्राई किया इसको, तुम्हारा भी मन कर रहा है, चलो खा ले। मैं क्यों लाया हूँ, मैं क्यों लाया हूँ, देख लेते हैं क्या है। अच्छा नट्स टाइप है? हाँ वो आता है जो चॉकलेट से कोटेड हो। चलो बहुत चॉकलेट खाए, बाद में खाएंगे। हाँ इसको रख दो,
हाँ ला रही हूँ, गिफ्ट लेके जा रही हूँ। बाय मोना जी, हम लोग कुछ और भी दिए थे शायद। मिला है भाई, मैं तुझे दिखाने के लिए बुला रही थी। ये चॉकलेट मिला है। ये कौन दिया? तुम्हारे पापा दिए। उनको याद आ गया कि मतलब ले कर आए होंगे तभी तो दिए थे। और हम लोग भी तो दिए थे एक और छोटे छोटे डाले में। ये तुम लोगों ने दिया था जो आज सुबह, तो मैंने एक खा लिया है, एक है। सही मेरे पास बहुत सारा चॉकलेट का स्टॉक है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, वो भी खास करके डेयरी मिल्क, वो भी स्पेसिफिक सब डेयरी मिल्क ले सब। अच्छा याद आ गया, अब चौमिन दे देते हैं सबको। हाँ चल चलो नाश्ता दे देते हैं। ये मैंने चौमिन रेडी किया था, मैंने बहुत पहले ही रेडी कर दिया था। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है, अरे 9 बज गया मम्मी। तो कोई बात नहीं, घर ही के लोग हैं। हाँ, और लेकिन मैंने ये चौमिन 6 बजे का ही रेडी कर दिया था। मैंने बना लिया था, इधर मैंने बना दिया था पनीर की सब्जी। यहाँ पनीर की सब्जी बनी है। हाँ, और ये मैंने बना दिए थे छोले, क्योंकि मेरा बर्थडे है लेकिन मुझे तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या खाएंगे, तो इतना तो मुझे नहीं कर सकती है। लेकिन मुझे फिर भी बहुत मेहनत की है, नूडल्स उसने ही बनाया है। और अब हम लोग जा रहे हैं नूडल्स इंजॉय करने, और उसके बाद से बना दूंगी मैं पूरी थोड़ा सा, और अगर किसी का पुलाव खाने का मन होगा तो वो बना दूंगी। 10 मिनट लगेंगे, बहुत टाइम मम्मी बुंदा हुआ है। हाँ, काच आज वीकेंड का वार आता तो हम आराम से चौमिन लेते, वीकेंड का वार करते। कोई बात नहीं, चलो करते हैं फिर। मैं इसे गर्म कर दूं ना पहले? हाँ चलो। दादी को और पापा को निकाल दो। फटाफट गरम कर दी। सर नीचे लटक रहा है, इधर से उधर से, इसको तो सही कर ले फिर फोटो खिंचाना। हाँ थोड़ा अपने नजदीक ले जाओ। ये नाइस। चलो फिर मोना जी को लॉफ्टर अटैक आ गया। नहीं तो गाइस कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खुश रहिए, पॉजिटिविटी बांटते रहिए, इस तरह की पॉजिटिविटी। ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। From town to town, from London to Taiwan, I've been